स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को मेरे तरफ से नमस्कार। आप सभी को हमारे प्रेरणा टीवी चैनल की तरफ से भी नमस्कार दीदी। अगर अभी तक आपने हमारे प्रेरणा टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही सब्सक्राइब कर लें और पाते रहें नई नई जानकारी। जी हाँ दीदी, स्वयं सहायता से जुड़ी और केंद्र सरकार के द्वारा जो भी योजनाएँ चलाई जाएंगी आपको सबसे पहले अवगत करा दिया जाएगा कि कौन सा लाभ आपके लिए बहुत ज़रूरी है और उस लाभ को ले सकती हैं। चलिए दीदी, ज़्यादा ना बात करते हुए मैं टॉपिक की तरफ आती हूँ। जी हाँ, टॉपिक थोड़ा हट के, गांव कनेक्शन विशेष। जी हाँ, गांव कनेक्शन विशेष स्वयं सहायता से। जी हाँ दीदी, स्वयं सहायता समूह से। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को डिजिटल मार्केटिंग सिखा रही सोशल सहेली। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं के सामने चुनौती थी अपने उत्पाद को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने का। उनकी इस चुनौती को आसान करने और उनके संघर्ष की कहानी को सामने लाने की विशेष कोशिश कर रहा है लखनऊ उत्तर प्रदेश। हिना एक महिला स्वयं सहायता समूह चलाती हैं और समय मिलने पर यूट्यूब पर क्रोशिया चलाना सिखाती हैं, लेकिन वीडियो में सिर्फ उनके हाथ ही दिखते हैं। मैं कैमरा पर चेहरा दिखाकर बोल नहीं पाती, फिर सोचा कि यह तरीका सही है। यह भी सोचती थी कि लोग वीडियो दिखाने, जी हाँ लोग वीडियो देखेंगे तो क्या कहेंगे, लेकिन अब सब ठीक है। अब मैं बड़ी आसानी से कैमरे का सामना कर लेती हूँ और अब ऐसा वीडियो बनाना सीख रही हूँ जिसमें मेरा चेहरा भी दिखेगा। 27 साल की हिना कहती हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के चिन्हट के गांव घैला में रहने वाली हिना के रानी लक्ष्मीबाई महिला आजीविका स्वयं सहायता समूह से 12 महिलाएं जुड़ी हैं और उनका समूह अभी हर महीने से 5 से 6 हज़ार रुपये की कमाई कर रहा है। कोई मसाला बनाता है तो कोई सिलाई का काम करता है। हिना को क्रोशिया से लगाव है। जी हाँ दीदी, हिना को क्रोशिया से लगाव था इसीलिए, और वे अपने काम को ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं तक ले जाना चाहती थी। हिना जी का कहना है कि मैं अपने गांव की महिलाओं को रोज़गार देना चाहती थी इसलिए स्वयं सहायता समूह बनाया। पहले हमने पैसे जुटाए, फिर काम शुरू किया, लेकिन हमारे प्रोडक्ट को पहचान नहीं मिल पा रही थी। उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना था। समूह की ज़्यादातर महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं हैं, ऐसे में हमारे गांव में आई सोशल सहेली की टीम, जी हाँ हमारे गांव में आई सोशल सहेली की टीम ने हमारी बहुत मदद की। हमें वीडियो बनाना सिखाया, हमें कैमरे पर बोलना सिखाया। अब समूह की महिलाएं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अपने प्रोडक्ट के बारे में खुद लोगों को बताती हैं। हिना कहती हैं, मोबाइल से वीडियो से बनाती समूह की महिलाएं। लखनऊ ज़िले में ही चिन्हट ब्लॉक के गांव लौलाई की में रहने वाली विभा आनंद की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। लॉकडाउन में बुटिंग स्टोर की नौकरी चली गई, जहां उन्हें महीने के 4,000 से 5,000 रुपये मिल जाते थे। काम के अनुसार नौकरी छूटने के बाद चिंता थी कि परिवार कैसे पलेगा। फिर समूह बनाया, लेकिन मुश्किलें आसान नहीं हुई। वे बताती हैं, हिम्मत करके समूह बनाया और काम शुरू किया। सरकारी मदद भी मिली जिससे काम और आसान हो गया। इसके साथ बहुत थी कि अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए। कैसे? हमारे पास मोबाइल तो था, लेकिन हमें यह नहीं पता था उसके माध्यम से हम भी अपने बनाए सामान को भी बेच सकते हैं। सोशल सहेली की टीम ने हमारी यह मुश्किल आसान कर दी थी। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ में महिला सशक्तिकरण की मिसाल बना दीदी मणिया। जी हाँ, विभा अपने गांव में लीड इंडिया महिला आजीविका स्वयं सहायता समूह चलाती हैं, जिससे कुल 85 महिलाएं जुड़ी हैं। वे खुद समूह सखी भी हैं। लॉकडाउन के दौरान मैंने सुना था कि उत्तर प्रदेश सरकार प्रवासियों को काम देने वाली समूह की मदद कर रही है, तो मैं लखनऊ के ग्रामीण आजीविका मिशन कार्यालय गई
उनकी मदद से समूह की महिलाओं को सिलाई का ट्रेनिंग दिलाई। लॉकडाउन में सरकार की ओर से हमारे गांव की समूहों को 40,000 मास्क का आर्डर मिला था, जिसमें से मेरे समूह ने 1300 मास्क बनाए थे और हमें एक मास्क के बदले 5 रुपये मिले थे। अब हम दलिया, सत्तू और मसाला भी बना रहे हैं। स्वयं सहायता समूह SHG उन महिलाओं का समूह है जो आपस में छोटी छोटी बचत करके एक दूसरे की मदद करते हैं। इन पैसों से खुद का या समूह के बाकी सदस्यों के साथ मिलकर व्यवसाय किया जा सकता है। देश में साल 2011 को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत की गई थी, जिसका उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को ही आजीविका में वृद्धि कर उन्हें मुख्य धारा में लाना और वित्तीय सेवाओं को उन तक पहुंचाना है। समूह की महिलाएं सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक अपनी स्टोरी पहुंचा रही हैं। हिना हो और विभा की तरह स्वयं सहायता समूह से जुड़ी कई और महिला उद्यमी सोशल सहेली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम और तकनीकी माध्यम ट्रेनिंग से अपनी आवाज़ को लोगों तक पहुंचा रही हैं। सोशल सहेली की टीम समूह से जुड़ी महिलाओं को प्रशिक्षण दे रहा है। महिला उद्यमी को प्रशिक्षण में सोशल मीडिया की बारीकियां बताई जा रही हैं कि ताकि उनका प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। उत्तर प्रदेश में ही गोरखपुर के पसंतपुर की रहने वाली गायत्री चंद्रवार का समूह गीता स्वयं सहायता समूह जुट का बैग और पापड़ बना रहा है। 1 साल से चल रहे इस समूह में अभी 10 सक्रिय महिलाएं हैं। कभी वीडियो कॉलिंग पर भी बात करने में शर्माने वाली गायत्री का इंस्टाग्राम पर सक्रिय अकाउंट भी है। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने संभाला कोरोना के खिलाफ मोर्चा। कम लागत में बना रही मास्क और PPE किट। गीता गांव कनेक्शन को फ़ोन बताती जी हां फ़ोन पर बताती हैं, पहले अपने बनाए सामान आसपास के बाज़ारों में बेचा करती थी। काम को बढ़ाने की सोच रही थी, लेकिन व्यवसाय का दायरा नहीं बढ़ रहा था। फिर सोशल सहेली की टीम जब हमारे यहां आई तो उन लोगों ने हमें ट्रेनिंग दी, मोबाइल कैसे पकड़ते हैं, पोस्ट पर रीच कैसे बढ़ाते हैं और सबसे बड़ी बात कि कैमरे पर बोलना कैसे सीखें, सब कुछ सिखाया। अभी आर्डर तो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े हैं, लेकिन अब दूर दूर के लोग हमारे प्रोडक्ट के बारे में भी पूछते हैं। सोशल मीडिया के जरिए गीता को प्रचार का सुलभ साधन मिल गया है, जो न सिर्फ उनके व्यापार को बढ़ा रहा है बल्कि उन्हें अपने आसपास पहचान भी दे रहा है। गीता बताती हैं, अभी तो हमारा समूह महीने में 6,000 से 7,000 रुपये ही कमाई कर रहा है, लेकिन हमें उम्मीद है कि आगे हमारा व्यापार बढ़ेगा। तो चलिए दीदी, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। आपकी क्या है कहानी, अगर आपको है पूरे इंडिया में सभी को सुनानी तो अपना लिखित या आप कोई अपना वीडियो बना सकती हैं। आपने कितना अब तक काम किया, आपका समूह कितना सक्रिय है, ये चीज़ें हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकती हैं या कोई वीडियो बना के व्हाट्सएप कर सकती हैं। तो चलिए दीदी, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर जरूर कर दें। धन्यवाद।